अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एजुकेशन अपडेट्स पर वेलकम करता हूं। महकमा बैतुलमाल गुजरांवाला के अंदर दर्जा चारम की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली जॉब अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। महकमा सोशल वेलफेयर बैतुलमाल गुजरांवाला डिवीजन के अंदर ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये हुकूमत पंजाब की रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022 के मुताबिक हम भर्ती करेंगे। स्टार्ट में कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होंगी, बाद में परफॉर्मेंस बेस आपकी जो है वो परमानेंट भी किया जा सकता है या फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 अप्रैल 2022 है। अब मैं पोजीशंस की तरफ चलता हूँ। सबसे पहली पोजीशन ड्राइवर है, जिसका बेसिक पे स्केल 4 है, तादाद 3 है, मिडिल पास, एलटीवी लिसेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल तजर्बा रखने वाले, 18 से 25 साल वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोजीशन है चौकीदार, ठीक है। पहला स्केल है, 2 पोजीशन है, पढ़ना लिखना जानता हो, जिस्मानी तौर पर फिट हो, 18 तक जो है वो 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी खाकरुब, ठीक है। पहला स्केल है, 3 पोजीशन है, पढ़ना लिखना जानता हो, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो, अपने काम में महारत रखता हो, 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी नायब कासद, पहला स्केल है, 3 पोजीशन है, पढ़ना लिखना वही सेम इसके लिए और 18 से 25 साल। ये नेक्स्ट पढ़ के मैं चल के बताऊँगा कि क्या इसके लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की गई है या नहीं। फिर है जी कुक, पहला स्केल है, 2 पोजीशन है, मिडिल पास, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और अपने काम में महारत रखने वाले या रखती हो, अप्लाई कर सकते हैं 20 से 30 साल। ये पोजीशंस हैं जो अनाउंस की गई हैं महकमा बैतुलमाल गुजरांवाला डिवीजन के अंदर। अब देखते हैं जी शरायत जवाबित इनके क्या हैं। उम्मीदवार हर तरह से मुकम्मल दरख्वास्त जो है वो जमा करवाएगा, जिसके एक तो आपने जो है वो खाली पेज के ऊपर जो आपका प्लेन पेपर होता है उस पर आपने खुद हाथ से दरख्वास्त लिखनी है। क्या लिखना है उसमें बाज़ औक़ात पूछ रहे होते हैं, लिखना क्या है, बस जी उनका समझ लो तरला मारना है, ठीक है, कि आपके जो है वो डिवीजन के अंदर जो जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करो, नायब कासद, कुक या खाकरुब, जो है वो ये जॉब्स निकली हैं, मैं इसके लिए अहल हूँ और मेहरबानी फरमाकर मुझे मौका दिया जाए। इस तरह से आपने थोड़ा सा ना जज्बात को मद्देनजर रखते हुए प्लेन पेपर के ऊपर अपनी दरख्वास्त लिखनी है। साथ में फिर आपने अपने जो तलीमी सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके शिनाख्ती कार्ड, आपके डोमिसाइल, पंजाब वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तजर्बा, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर आपने जो है वो साथ में अटैच करनी है। भेजनी कहाँ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। खाली सामने पर बढ़ती हुकूमत पंजाब की रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022 के मुताबिक की जाएगी। हर असामी के लिए दरखास्त अलग से देना होगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं दरखास्तें भेजनी कहाँ पे हैं, आपने अपने लफाफे इनवेलप के ऊपर जो है वो लिखना है बनाम यानी टू डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुलमाल गुजरांवाला, डिवीजन अब्दुल्ला स्ट्रीट, नज्द नजीब मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है, गुजरांवाला, ओके। यहाँ पर आपने बजरिया डागा एप्लीकेशन को भेजना है। अगर आप ऑलरेडी जो है वो सरकारी या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपने एनओसी ना साथ बनवाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों को उम्र की भलाई हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक रायत दी जाएगी, रायत दे दी जाएगी जहाँ पे 20 से 25 साल है, मेल को 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी और फीमेल को 8 साल की होगी, ठीक है। जहाँ पर 25 साल है वहाँ पे मेल के लिए 30 साल हो जाएगा, फीमेल के लिए 33 साल हो जाएगा। टेस्ट इंटरव्यू के लिए अलग से जो है वो उन्होंने कहा है अलहदा से कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे, जिनकी दरख्वास्तें हर लिहाज से मुकम्मल होंगी उन्हीं को कॉल लेटर जारी किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इंटरव्यू पर आने के लिए कोई भी जो है वो जो TADA होता है, सफरी अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा, ओके। ये सब कुछ है यहाँ पर मैंशन किया गया, अप्लाई करने का तरीका बता दिया, पोजिशन बता दिए, रिक्वायरमेंट्स बता दिए। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली जॉब अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।